वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है हौसला रख ऑफिशियल ट्रेलर, दिलजीत, सोनम एंड शहनाज गिल। तो देखें क्या है ये। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाजी, एक्सक्यूज मी पाजी, पाजी प्लीज अपने बेबी नू चुप कराओगे? थोड़े बेबी दे चक्कर च मेरे बेबी दा रोमांस खराब हो रहा है। आपा नहीं है जवाकां दे चक्कर च पैणा। जिद्दां तू खुश उद्दां मैं खुश। मैनू प्यार कीता सी, इन्ने मेरे नाल आ कीता। ए मैं प्यार ही कीता जी। डिवोर्स दे केस नाल ना बच्चे दी कस्टडी वे दे नाम कर। हादर कल्ला बच्चा नहीं सांभ सकदा जी। सांभूंगा ते तू ही। मैं भी तो जॉब ते जाना, मैं किवें कल्ला सांभ लूंगा इनू? मैनू तो फड़दा भी नहीं आ रहा है। सांभ हो जाना पुत, तू हौसला रख। हौसला तो पुत हुण तैनू रखना ही पैणा। वे जंकी ए की चक्की फिरदा है? सोहरिया ने हौसला दिता ना की रखे है? हौसला ओ रख, हौसला हौसला रख, हौसला रख रख हौसला। एदे चो वन स्कूप टू स्कूप दैट्स इट। जे तीसरा पाउना फिर टटिया लवा लेंदा है। मैनू भी जालन दे, मैं थोड़ा पोतड़ा बनिया। बाय हनी यंगर ब्रदर। बाय डैडी। डैडी डैडी कह के तू डैडी गवा लेना किस दिन। तेनू किन्नी यार क्या बाहर वीरा कहना करे डैडी कहना। हाय ओए, मैनू लगता गल इथे बन जानी है यार। जल्दी ना करो, पहला फ्रेंडशिप बनाओ फिर नेक्स्ट स्टेप करो। दो पत्तर अनारा दे, मीं दा मौसम है सीने लग जा यारा दे। आया होया आया मींस ए मींस एक ता मींस बहुत चला पी है। ए मींस टू लीफ ऑफ पोमोग्रेनेट इन द रेनी वेदर। हग मी सोनी है आ चक। गल किन्नी कगी गई। आई थिंक शी लाइक्स मी। तू बचपन तो इदा दा यार, तेरे च कोई नुक्सा? आई एम बोर्न क्यूट। हुण तक कृपाना निकल जान गईयां, एही आऊगी घरे। मेरा ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਆ। ਛੱਪ ਫਰੈਂਡਾ ਇਦਾਂ ਲੈਪੜ ਦੀਆਂ ਬੜਬੜ ਕੇ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਓ ਰੱਖ ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਰੱਖ ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਓ ਰੱਖ ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਓ ਰੱਖ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਵੀਰੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਰੀ ਮੰਮੀ ਲੈ ਦਵਾਂ ਫੇਰ? ਗੋਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਟ੍ਰਾਈ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਪਾਸਤੇ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਆਉਣ ਦੇ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ, ਲਜ਼ਾਨੀਆ ਦੀ ਤਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ। ਕਮ ਔਨ ਬ੍ਰੋ, ਨਾਟ ਯੂ ਮੈਨ, ਨਾ ਯੂ ਗੋਨਾ ਗੈਟ ਗੋਰੀ ਮੰਮੀ। ਅੱਲਣ ਬੱਲਣ ਬਾਵੇ ਦਾ ਬਾਵਾ ਹੁਣ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। तो फ्रेंड्स, मुझे तो कॉमेडी मूवी लगी है ये, कि कॉमेडी बनाई है इन्होंने। और कुछ थोड़ा बहुत मुझे क्लियर नहीं हुआ, मुझे दोनों पता है, सच बताओ दोनों हीरोइनों की शक्लें एक जैसी लग रही थी तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाई कि जिससे शादी हुई है वो आ रही है कि कोई गर्लफ्रेंड आ रही है। पर बाद में ऐसे लग रहा है, जहां तक मुझे समझ में आया, कि शादी हुई, बच्चा हुआ, शायद डाइवोर्स हो गया, कुछ हो गया, और जो बच्चा है वो फादर के पास ही रहा। और दिखाया कि फादर कैसे उसको बड़ा कर रहे हैं, कितनी मुसीबत होती है भैया सच्ची में। बच्चा जो है उसको पालना इज नॉट इजी, रातों की नींद जाएगी जब वो बेबी होगा। तो वो जो बताते हैं ना लोग, भैया बड़ा प्यारा टाइम होता है, हमसे पूछो, मैं इतना रोई थी मम्मी पापा के साथ। मैंने कहा किसी ने कभी ये नहीं बताया था कि जब बेबी होता है तो काम कितना होता है, कैसे नींद के लिए आप तरसते हो, वो किसी ने नहीं बताया। बताना चाहिए ना, वैसे बोलते बेबी कितने क्यूट होता है, क्यूट होता है। काम के साथ जो होता है वो हमें एज अ पेरेंट जब आप खुद बनते हो तब समझ में आता है, कि वो जो गुडी गुडी थिंग्स होती है वो स्पेशली वहां पे जहाँ पे आपके पेरेंट्स नहीं, हेल्प भी नहीं है, कोई आपके पास अकेले काम कर रहे हैं, कोई पेरेंट्स नहीं है, बहुत टफ होता है वो। और पर इस केस में भी वही दिखा रहे थे कि भैया बच्चे को भी पकड़ना नहीं आ रहा, वो ट्रेनिंग जो देते हैं कि कैसे बच्चे को उठाना है सब, उसने कैसे उठाया। तो थोड़ी बहुत कॉमेडी उसमें काफी अच्छी दिखाई थी। मुझे इसमें पता है बेस्ट पार्ट क्या लगा है, जो फादर और सन की कॉमेडीज दिखा रहे थे वो सीन्स मेरे फेवरेट थे। और मुझे जब वो गर्लफ्रेंड बीच में आ रही है तब वो मुझे मजा, वो थोड़ा गड़बड़ था कि
क्योंकि पहली बात तो यह है कि हमने ज्यादा पंजाबी की मूवीज देखी नहीं है, मगर इंटरेस्टिंग लग रही है। मगर मैं यही कहूंगा अल्टीमेटली जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो होती है, इन द सेंस कि जो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है गोरी मम्मी का, तो मतलब जो आपको एक अपने आप पे इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको फिक्स करना पड़ेगा। आपको कोई इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, तभी आप गोरी गोरी कर रहे हैं, तो आप में खुद में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है या आपको प्रॉब्लम नहीं। मेरे तो यही सोचना है कि इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है जो भी बंदा उस रास्ते में सोचता है कि गोरी मम्मी की जो बात कर रहा है वो, उसका मतलब खुद में जो है आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप में गोरी गोरे लोग ज्यादा बेटर होते हैं यहां से, तो आप में खुद में इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। और ऐसे स्टीरियोटाइप को बाहर नहीं लेके जाना चाहिए, आपको बनाइए, अपने कॉन्फिडेंस दिखाइए, और उससे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर आ चुके हैं, मतलब बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाइवर्सिटी है जो इन बातों से अब बाहर आ चुके हैं, जिनको खुद का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है और इस तरीके का इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। हाँ, पर इसमें उन्होंने उसके बाद जो कॉमेडी बताई थी वो अच्छा था, क्या पता नहीं पास्ता इन परांठा पता नहीं क्या बोले थे, मैंने कहा क्या कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं उस वो डायलॉग्स में, कि भैया वो कौन बनाता है, इसके अंदर परांठा डालेंगे वो कुछ कर देंगे, पता नहीं क्या था, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भैया ऐसी भी कोई चीज बन सकती है। तो बच्चा जो था बड़ा क्यूट इन्होंने लिया हुआ है, बच्चे क्यूट था, और अब ऐसे लग रहा है स्टोरी में पता नहीं शायद गर्लफ्रेंड भी आ गई है, वाइफ भी आ गई, अब ये नहीं समझ में आया कि वाइफ एक्स वाइफ है कि वाकई वाइफ है जो छोड़ के अभी थोड़े टाइम के लिए गई हुई थी, वो भी अजीब लगेगा क्योंकि बच्चा छोटा होके जब था तब से लेके इतना बड़ा बच्चा हो गया फादर के साथ, तो वो कह रही है तेरी मेरी शादी, कुछ ऐसा डायलॉग था कि डाइवोर्स कर हो जाएगा मेरा बीवी के साथ, तो क्या डाइवोर्स नहीं हुआ हुआ था, तो अगर डाइवोर्स नहीं हुआ हुआ था तो वाइफ क्यों नहीं थी आपके साथ, बच्चे कुछ को वो अभी वो मतलब ट्रेलर से नहीं पता चल पाया, पर कोई उसमें स्टोरी तो होगी तो वो क्लियर नहीं हो पा रहा था, पर काफी इन्होंने सीन्स दिखाए मुझे इसमें, जैसे बता रही थी बेस्ट सीन्स लग रहे थे फादर और सन की जो बॉन्डिंग का सीन्स दिखा रहे थे कि किस तरह से एज अ फ्रेंड भी है, और जैसे बोल रहे थे कि भैया बाहर तुम मुझे क्या भाई या कुछ भाई बना लो और घर में तुम मुझे पापा बोल लिया करो, तो वो सब जो था उस टाइप की उन्होंने कॉमेडी बनाने की कोशिश की है। ये तो और मूवी जब देखेंगे तो पता चलेगा कि भैया वाकई में और कितनी कॉमेडी है, पर अगर कॉमेडी अच्छी है तो डेफिनेटली हिट होगी, अगर कॉमेडी थोड़ी चीप डायरेक्शन में चली गई तो फिर नहीं, पर इसमें ट्रेलर में ऐसा कुछ नहीं लगा कि चीप कॉमेडी कुछ उस टाइप से है। चीप कॉमेडी नहीं थी, सिर्फ थोड़ी थीम गड़बड़ थी एक जगह पे, अदरवाइज नॉर्मली काफी अच्छी मजेदार खुश मिजाज लग रही है मूवी, लाइट हार्टेड काइंड ऑफ मूवी है, और आजकल के टेंशन टाइम के में कोरोना कोविड और ये सब में थोड़ा लाइट हार्टेड मूवी शायद थोड़ा कुछ टाइम की हंसी दे के आपको रिलैक्स कराएगी। तो आप बताना आपको कैसी लग रही है, क्या आप देखोगे नहीं देखोगे, पर ये है कि पंजाबी आनी चाहिए इसके लिए, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें पंजाबी आती है पर इतनी अच्छी मुझे नहीं आती है, तो मुझे थोड़ा बड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है कि कई वर्ड्स जो है समझ नहीं आते, तो फिर वो पता नहीं चलता कि बोला क्या, वो डायलॉग फिर स्किप हो जाते, तो फिर कहीं ये ना प्रॉब्लम हो कि फिर मूवी का पूरा समझ ही ना आए, पर मजेदार लग रही थी, आगे देखते हैं, अभी एक्चुअली देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक है ना। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।